बोगनवेलिया पे ऐसा फूल कैसे पाए? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। आज मैं आपको बोगनवेलिया पे ज़्यादा फूल कैसे पाए इसके बारे में कुछ आपको कुछ फर्टिलाइज़र भी दिखाऊंगी और कुछ ट्रिक भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हो मेरे बोगनवेलिया के प्लांट में पत्ते नहीं है, इतने फूल है, एक भी डाली देखो खाली नहीं है। अभी मौसम जो आ रही है तो गर्मी की सीज़न, तो मतलब जनवरी ख़त्म हो गई है, फेब्रुआरी शुरू हो गई है, और जब भी जैसे जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे बोगनवेलिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते रहेंगे। अगर आपके पास गमले में है, जो ज़मीन में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो हमें इसके लिए हमारे प्लांट को कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको फूल लाने के लिए कैसे मजबूर करें वो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो पहले हमें उसको पानी देना बंद कर देना है, बिल्कुल पानी मत दो, और उसकी मिट्टी को एकदम गमले की मिट्टी को सूख जाने दो। सूख जाए गमले की मिट्टी तब आप इसको गुड़ाई कर दो। गुड़ाई करने के बाद क्या करना है और क्या फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या, पहले तो पानी बंद कर दिया, फिर आपको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद हमें इसको फर्टिलाइज़र देना है, और हमें इतना ही ख्याल रखना है कि पहले पानी बंद कर देना है, और जब फर्टिलाइज़र दे इसके बाद भी हमें उसको पानी कम देना है। बोगनवेलिया के प्लांट को ज़्यादा आप पानी देंगे तो क्या होगा, देखो पत्ती फूल की जगह पत्तियाँ ही पत्तियाँ आएगी, और आप पानी कम देंगे तो क्या होगा, फूल ही फूल आएंगे। तो हमें खास पानी का खास ख्याल रखना है इसके लिए, कि हमें पानी कम देना है, मिट्टी को एक बार अच्छे से सूख जाने हैं, फिर उसकी गुदाई करनी है। गुदाई करने के बाद हमें इसको किनारे की ओर से ऐसे कर देंगे। देखो मेरी मिट्टी सूख गई है, इधर भी ऐसे सूखी हुई मिट्टी है। तो आप जब भी बोगनवेलिया के प्लांट के लिए मिट्टी बनाओ तो हमेशा मिट्टी भुरभुरी बनाओ, चिकनी मिट्टी नहीं बनानी है। चिकनी मिट्टी में पानी ठहरता है और फिर बोगनवेलिया के प्लांट में आपको ज़्यादा पत्तियाँ मिलेगी और फूल कम मिलेगा। तो भुरभुरी मिट्टी बनाओ, पानी कम डालो, जब भी एक पानी डालो एकदम से गमले की मिट्टी सूख जाए बाद में डालो। फिर आता है उसके लिए दूसरा, उसको ज़्यादा रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार रिपोर्टिंग मत करो। एक ही गमले में आप उसको 4-5 साल तक रहने दोगे तो भी चलेगा। उसको रूट बाउंडिंग, जितनी भी ज़्यादा अंदर रूट बनेगी उसको इतना ज़्यादा पसंद आता है, और वो प्लांट अच्छे से अपने को फूल देता रहता है। और जब भी एक बार फूल आ जाए, तीसरी बात, फूल आ जाए तो हमें क्या करना है, उसको कटिंग कर देना है। जो भी डाली पे फूल नहीं आ रहे, अब फूल आ जाए इसके बाद के सभी डाली को हमें कट कर देना है। डालियाँ जब जैसे जैसे हम डालियाँ कट करते जाएंगे तो देखो आगे आगे नई डालियाँ जो भी डाली फूटेगी इसमें पहले ही फूल आ जाएंगे, तो हमें कटिंग कर देनी है। फिर आता है अब खाद, तो खाद में हम क्या डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आता है सबसे अच्छी केमिकल वाली खाद है DAP। आप गमले के हिसाब से DAP का कुछ दाना डाल दो और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। DAP में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन से उसका ऑल ओवर विकास होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, और फॉस्फोरस से उसकी रूट्स को ज़्यादा डेवलप होती है। जितनी उसकी रूट ज़्यादा डेवलप होगी उतने हमारा प्लांट ऐसा जल्दी हेल्दी बनेगा और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है, MgSO4। तो MgSO4 का मतलब इससे एप्सम सॉल्ट देने से वो अपना प्लांट है वो उसको खाना बनाने में वो हेल्प करेगा और अच्छे से उसका विकास होगा। DAP आ गया, ए एप्सम सॉल्ट आ गया, और आया NPK। हम इनको NPK का कुछ
गमले सभी जो भी हमें खाद देनी है गमले के हिसाब से देनी है। हम इतनी एक छोटी सी चम्मच इसमें एनपीके डाल देंगे। बस आप इतनी सी ही खाद लो और मिक्स करके अच्छे से गमले में डाल दो। और फिर मिट्टी को ढक दो और फिर डाल दो पानी। मैं अभी वहाँ लेने जाना है इसलिए मैं बाद में डाल देती हूँ, लेकिन आप तुरंत पानी डाल दो और जब तक पानी सूखे नहीं दोबारा आप इसको पानी देना नहीं है। बस इतना ही करोगे तो आप देखते मेरे बोगनवेलिया में इतने ढेर सारे फूल आए हैं। तो आप भी मेरी तरह इतना थोड़ा सा ख्याल रखो और अपने प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाए। देखो मुझे इसकी सॉइल सूखती नहीं है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ आती है और फूल कम। मतलब अभी एक बार तो आके चले गए हैं, अभी ये दोबारा शुरू हुए हैं। पर आप पानी का खास ख्याल रखना है, पानी कम डालोगे तो पत्तियाँ कम आएगी और फूल ज़्यादा आएगा। तो देखो फ्रेंड, आज 15 से 20 दिन हो गया है और मेरी बोगनवेलिया में आप देख सकते हो कितने ढेर सारे फूल आ गए हैं। तो आप भी मेरी तरह अपने बोगनवेलिया का थोड़ा सा ख्याल रखोगे खाद पानी का, तो आपको भी इतना ढेर सारे फूल मिलेंगे। इतना सुंदर दिख रहा है, ये पिंक है, ये बीच में वाइट और ये येलो। तो चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।